कहते हैं कि मेहनत और हिम्मत इंसान को सफल बनाती है, लेकिन कई बार इसके साथ किस्मत का होना भी जरूरी होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला केबीसी के 11वें सीजन के शुक्रवार शाम को खेले गए एपिसोड में। अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में मध्य प्रदेश भोपाल से आए टीचर अरुण कुमार मिश्रा की किस्मत उनके साथ ही नहीं थी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जवाब देकर हॉट सीट पर आए अरुण कुमार काफी नर्वस थे। पहले ही सवाल पर अरुण काफी कंफ्यूज हो गए थे। अमिताभ बच्चन के हर सवाल पर अरुण कुमार काफी कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने अपनी पहली लाइफलाइन तीसरे सवाल पर ही ले ली थी। इसके बाद वो आगे बढ़े और 40,000 रुपए के सवाल पर पहुंचे। दरअसल अरुण से बिरजू महाराज से जुड़ा हुआ आसान सा सवाल पूछा गया था। अरुण को सवाल का जवाब ना पता होने पर उन्होंने सवाल को अपनी दूसरी लाइफलाइन से फ्लिप किया। अपने विषयों में उन्होंने रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी को चुना था, इसलिए नया सवाल गुरु नानक देव के बारे में पूछा गया। अरुण को इस सवाल का सही जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी लाइफलाइन 50-50 ले ली। दो गलत ऑप्शन मिटने के बाद भी जवाब ना सोच पाने पर उन्होंने अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना ठीक समझा। अरुण के पास जवाब देने के लिए केवल 2 सेकंड बचने पर उन्होंने आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन ले ली। एक्सपर्ट पंकज पचौरी ने सवाल का जवाब देने में उनकी काफी मदद की। इसी के साथ अरुण कुमार मिश्रा की सारी लाइफलाइन चली गई। इसके बाद उनसे 8वां सवाल पूछा गया, लेकिन 8वें सवाल का गलत जवाब देकर अरुण कुमार शो से बाहर हो गए, क्योंकि वो सवाल 80,000 रुपए का था। अरुण ने गलत जवाब दिया था, इसलिए वे अपने साथ केवल 10,000 रुपए ही वापस ले जा सके। शो में अरुण के मात्र 10,000 रुपए जीतने पर ही उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। न्यूज डेस्क।